क्या कर रही है? रिफाइंड में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता कभी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, तो आज है ट्यूजडे और अभी दिन के बज रहे हैं 3। तो मैं जा रही थी खाना बनाने की तैयारी करने, और इधर ज्ञान भी परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है कि इसको जाना है मॉल में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ये घर से बाहर निकली नहीं है, तो इसको ना अजीब सा फील हो रहा है। तो होता है ना, अपने तुम लोगों को होने लगता है। तो वो कह रही मम्मा मॉल चलो, मॉल चलो, बार बार ये कह रही है। तो मुझे ना ये देखिए, ये जो थैला है, ये थैला मुझे दिया, कह रही कि चलो मॉल में चलते हैं टॉफ़ी लेने। और क्या हुआ, इसकी टॉफ़ी ख़त्म हो गई है। मैं एक महीना से ऊपर हो गया तब लेके आई थी, ये मेलोडी वाली खाती है टॉफ़ी, तो वो ख़त्म हो गई हैं। ये देखो, हाय बोलो, हाय हाय। ऐसे ही काम करती रहती है ये, उल्टा लगाए हुए हो। कहाँ लगाया है तुमने? इसके ना बाल सीधे नहीं होते, इसके कर्ली बाल हैं, सच बता रहे, बहुत परेशान है इसके बालों से। तो क्या हुआ कि इसकी जो टॉपी थी वो ख़त्म हो गई, सो कह रही कि मम्मा चलो मॉल में। तो हम कह रहे हैं इनसे कि आप चले जाओ, ज्ञान भी को ले जाओ साथ में, ले आओ। क्या कर रही है? हाँ आप ठीक है? तो ये अभी सो रहे थे तो अभी जाग गए, इसने जगा दिया है। तो क्योंकि ज़्यादा तो खाती नहीं है, एक महीने से ऊपर हो गया, कभी कभार लेती है कभी कभार नहीं, तो इसलिए 2-3 दिन हो गए ख़त्म हुए, तो परेशान कर रही है। अभी देखो इसने पता नहीं ये बाहर से क्या खा के आई है। क्या खा के आए हो? हाँ क्या खा के आए हो? मिट्टी कहाँ मिली तुम्हें, कहाँ मिली? अगलो तो फ्रेंड अभी हम तो इसकी शैतानियाँ ना ऐसी चालू रहेंगी। ये देखो कहाँ से सीखते हो इतनी शैतानियाँ, इतनी शैतानियाँ कहाँ से सीखते हो तुम, कहाँ से सीखते हो? चलो अच्छा जाओ खेल, अभी पापा आ रहे, पापा के साथ आप चले जाना, ठीक है? नहीं पता है इसकी क्या आदत है, जाएंगे तो मम्मी पापा साथ में जाएंगे, अकेले नहीं। तो मैंने कहा कि तब बज रहे थे 1, मैंने कहा चलो अच्छा हम चलते हैं, तो बोली कि पापा को उठाओ, पापा को भी लेके चलो साथ में, वो सो रहे थे तो इसलिए गए नहीं। अब वो कह रहे कि मैंने कहा आप चले जाओ, तो कह रही है कि नहीं देखो मम्मा को भी लेके चलो पापा से अपने, कह रही। तो अभी देखते हैं जाते हैं कि नहीं। वैसे फिलहाल हम चलते हैं किचन में। तो मैंने ना अभी भिंडी रख दी थी धुल के, तो वो भी भिंडी बनाएंगे। तो ये देखिए ये भिंडी मैंने धुल के रख दी है। क्या है ये बोल रहे हैं कि मसाले वाली बनाओ, मसाले के लिए जो मेरे पास मशीन थी हाथ वाली, उससे जो प्याज था और लहसुन उससे हम मतलब कस लेते थे तो अच्छे से हो जाता था, और मिक्सी से अभी हम करेंगे ना तो वो बिल्कुल महीन हो जाता है। उस मशीन से क्या था कि ना ही बिल्कुल पिसता था और ना ही ज़्यादा खड़ा रहता था, तो ठीक था उससे और टेस्ट अच्छा आता था, तो मुझे उसी की आदत है। और अभी हम सोच रहे हैं कैसे बनाएं, या तो बिल्कुल महीन महीन चाकू से काटें, देखते हैं। और ये कह रहे हैं कि मसाले वाली बनाओ, तो फिर बने रहिए ब्लॉग में फ्रेंड, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखिए इस तरीके से मैंने ये भिंडी काट ली है पतली पतली, और बीच से अलग करते हैं इनको। और उसके बाद ये तो प्याज है और थोड़ी सी लहसुन की कली है, ये इनको ना मैं इससे कद्दूकस कर ले रही हूँ, इससे ना थोड़ा मोटा भी रहेगा और बिल्कुल महीन भी नहीं होगा, मैं इससे कर ले रही हूँ। तो बने रही ब्लॉग में फ्रेंड्स, है ना। देखिए फ्रेंड इस तरीके से ये कद्दूकस हो गया है, तो ठीक है, मतलब इतना ठीक है।
तो फिर फिलहाल अब मैं सारे मसाले ले लेती हूँ। इनको ना मैं कटोरी में सारे मसाले इकट्ठे कर लूँगी, नमक और तो एक कटोरी में मैं सारे मसाले निकाल ले रही हूँ। तो भी ये कश्मीरी लाल मिर्च और ये है हल्दी, हल्दी थोड़ी सी लेंगे, उसके बाद नमक भी हम इसी में ऐड कर देंगे और ये गरम मसाला है। ओके, उसके बाद मैं ये आमचूर पाउडर डालूंगी इसमें, थोड़ी सी आधी चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड धनिया मेरी ख़त्म हो गई है, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, तो मतलब इसमें धनिया ज़्यादा पड़ेगी तो मैं पीस लेती हूँ थोड़ा। पीस के लेके आती हूँ उनको। तो गैस देखिए मैं धनिया पीस के ले आई हूँ। मैं ना हमेशा धनिया घर पे ही पीसती हूँ और मिर्च भी, इस बार मिर्च मेरी खत्म हो गई थी। तो क्या हुआ, एक सेकंड, चम्मच वो मुझे गीली लग रही थी थोड़ी सी, तो मैं धनिया इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, और ये इतनी मैंने और डाल दी थी इसमें। तो बस ये मसाला मैं मिक्स कर ले रही हूँ, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी, ज्ञान भी चिल्ला रही है बाहर के लिए, तो इसमें मिला दिया मैंने पानी, और तब तक इसको रेस्ट देते हैं हम। अब तब तक मैं ऑयल डाल के इसको मैं फ्राई करती हूँ। मैं सब्ज़ी हमेशा सरसों ऑयल में ही बनाती हूँ क्योंकि इससे टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप कभी भी ट्राई करके देखना, रिफाइंड में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता कभी भी। तो अब मैं, ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना। मेथी दाना का टेस्ट अच्छा आता है भिंडी में, तो हम दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो फ्रेंड ऑयल गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने मेथी दाना डाले, और मेथी दाना डालने के बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और अब मैंने जो कटोरी मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे इसमें, और इसको अच्छे से चलाएंगे और मिक्स कर देंगे ताकि प्याज इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। और उसके बाद तब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ने लगे। तो ये देखिए ऑयल छोड़ने लगा है, एक मिनट के लिए हम इसको और भूनेंगे। तो ये अब परफेक्ट है। अब इसमें हम भिंडी को ऐड कर देंगे और भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ, ताकि जो मसाला है भिंडी के अंदर भर जाए। बस इसी तरीके से इनको धीमी आंच में पकाना है। और फ्रेंड कल मैं वीडियो नहीं कर पाई थी, और रात में क्या हुआ कि ज्ञानवीर ने 2 बजे तक जगाया, और मैं ज्ञानवीर से बोल रही थी सो जा, तो ये सो नहीं रही थी, और मैंने गुस्से में डॉल से कहा सो जा नहीं तो पिटाई करेंगे, तो ये मुझ पर उल्टा ही पड़ गया था। ज्ञानवीर ने उल्टा डॉल को डांटा और पीटा, तो मैं वो वीडियो बनाया था, मैं ऐड ज़रूर करूँगी, ज़रूर। हेलो फ्रेंड, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। और जो लोग नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।